तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे इंडिकेटर की तलाश में हैं जो आपको इंट्राडे में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बात समझना चाहिए कि जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले खूब प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको रियल में जब ट्रेडिंग करने जाएँ तो आपको लॉस देखने को ना मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उस इंडिकेटर के प्रोस एंड कॉन्स पता चल जाता है, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं ये सब सारी बातों को। दोस्तों, आप अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वहाँ पे ये इंडिकेटर नहीं लग पाते हैं, इसलिए आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहाँ लॉगिन कर लेना है अकाउंट बनाकर, उसके बाद वहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है। सारे प्रोसेस आपको यहीं पर दिखाते हैं। इसके लिए दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में आकर आपको किसी चार्ट को ओपन कर लेना है। इस बात को समझने के लिए हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। आप किसी भी स्टॉक का जो है चार्ट ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं और सोच समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, या तो यहाँ FX लिखा है इस पर क्लिक करके इंडिकेटर को सर्च करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे ताकि ये चार्ट पर लग जाए। देखिए दोस्तों, यह इंडिकेटर यहाँ पे लग गया है। दोस्तों, इससे पहले आप इंडिकेटर का नाम देख करके जाइए मत, इसको समझिए, इसमें कुछ सेटिंग भी होते हैं, तो हम इसको समझते हैं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा तरीके से ये बाय सेल का सिग्नल दे रहा है, तो इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, सेटिंग में इसमें कुछ जो इनपुट्स में, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इनपुट्स में दोस्तों, इसको जो ATR पीरियड है इसको हम 100 कर देंगे, 10 की जगह इसको 100 कर देंगे। ATR में दोस्तों इसको हम 100 कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसमें एक सेटिंग और भी आपको स्टाइल में करना है, जो कि ये बार कलर का है, इसको बार कलर को अनटिक कर देना है, उसके बाद ओके कर दीजिए, ताकि आपको चार्ट बहुत ही अच्छे से विजुअल तरीके से दिखाई दे। और आप देखिए और समझिए इस बात को, ये चार्ट कितने अच्छी तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ ये सेल और बाय का इंडिकेशन दिया, आपको ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना होता है। दोस्तों देखिए, आप समझिए कि यहाँ इसने सेल का इंडिकेशन दिया तो ये इतना गिरा, और यहाँ बाय का दिया तो यहाँ कैंडल बाय में गई। लेकिन आपको समझना है इस बात को कि हमें कहाँ और कौन सी जगह अच्छे से इसको यूज करना है। देखिए, यहाँ बाय का सिग्नल दिया और इसने इतना अच्छा रैली दिया, वहीं जब ये साइड में भी होता है तो भी ये सिग्नल देता है, लेकिन ये काफ़ी छोटे लेवल की कैंडल होती है, जिससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये बड़ा मूव आया, यहाँ देखने को मिला आपको, और यहाँ भी देखिए काफ़ी बड़े मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंडिकेटर आपको प्रैक्टिस करने पर ही सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ बाय का सिग्नल दिया तो यहाँ इतना अच्छा रैली देखने को मिला, और इसने यहाँ सेल के सिग्नल दिया तो काफ़ी छोटे हुए। तो ये साइडवेज मार्केट था, जिसकी वजह से बहुत ही छोटे छोटे कैंडल थे। यहाँ पे बाय सेल का इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं। और यहाँ देखिए, जब इसने यहाँ इंडिकेशन दिया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ देखने को बन सकता है, जब आप यहाँ पर सेलिंग करते। आप इसको देख भी सकते हैं कि ये कितना जो है कि एक्यूरेट आपको दिखा रहा है, और कितना जो है कि आप प्रॉफिट यहाँ से बना सकते थे। देखिए, लगभग 138 पॉइंट। तो ये दोस्तों 5 मिनट की कैंडल है, बहुत बड़े बड़े मूव्स यहाँ भी देखने को मिलते हैं। ये आप इस कैंडल को छोटा ना समझिए, जहाँ इसने सेल का ये सिग्नल दिया, सिर्फ एक ही कैंडल हम आपको मेज़र करके बता देते हैं। देखिए 45-50 पॉइंट का, तो 45-50 पॉइंट बहुत होता है दोस्तों इंट्राडे के लिए। यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था दोस्तों, तो इसने बहुत ही अच्छी यहाँ देखिए सेल का इंडिकेशन दिया और यहाँ पे बाय का सी। लेकिन जब डाउन ट्रेंड में हो तो आपको ज़्यादातर सेल का जो है कि देखना चाहिए। तो जब जब ये सेल के बारे में आपको इंडिकेशन दे, तो आप यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ भी दिया, एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। आप इसको मेज़र करके भी देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे इसने पहली बार ये यहाँ सेल का इंडिकेशन दिया, तो आपको यहाँ तक का आपको रैली 75 पॉइंट का, देखिए दोस्तों 75 पॉइंट का यहाँ रैली देखने को मिला। अगर आप अगले में देख रहे हैं, सिर्फ एक कैंडल यहाँ 5 मिनट की है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं मेजर करके। देखिए, सिर्फ एक कैंडल 70-75-80 के आसपास का है। तो यहाँ जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप वहाँ से निकल जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे रहें। और यहाँ देखिए, इसने सेल का इंडिकेशन दिया, यहाँ भी बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिली थी। अगर आप यहाँ भी इंटर करते हैं तो देखिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट, 200 पॉइंट का दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। और इसने यहाँ बाय का सिग्नल दिया नीचे, आप यहाँ से देखिए डाउन सेल से बाय का इसने सिग्नल दिया, आप यहाँ कितनी बेहतरीन रैली को कैप्चर कर सकते थे। देखिए 300 पॉइंट का, क्या यह इंडिकेटर है दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है बाय और सेल का। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और अच्छे से इसको सीखिए, तब जाकर ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों, यह इंडिकेटर आपको
ट्रेडिंग व्यू ऐप में मिलेगा, तो वहाँ पहले लॉगिन हो जाइए, वहाँ पे आप इसको यूज कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए इसको। तो दोस्तों यह इंडिकेटर आपके लिए काफ़ी मदद कर सकता है, जहाँ से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इंट्राडे में। तो आप इसको यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर इसका रियल में ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल वन बहुत ही अच्छा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।